हेलो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं व्हाट इज सिंपल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस ओके इट इज ए क्रोनिक सिंपल इन्फर्मेशन ऑफ द कंजेक्टिवा ओके तो फ्रेंड्स इसका नाम से ही पता चलता है कि सिंपल क्रोनिक कंजेक्टिवाइटिस क्या है फ्रेंड्स क्रोनिक मीन्स क्या है जो भी डिजीज या फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है वो तीन महीने या फिर उससे ज्यादा दिन तक रहता है ओके okay? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कंजक्टिवाइटिस है यहाँ पर कॉन्जक्टि से इन्फ्लामेशन डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है अगेन एंड अगेन होता है जिसको कि हम कहते हैं सिंपल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस ओके तो फ्रेंड्स इट इज ए क्रोनिक सिंपल और कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉन्जक्टेवा ओके तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं सिम्टम्स ऑफ दी सिंपल क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में फर्स्ट बॉर्निंग एंड ग्रिटनेस ऑफ दी आइज ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आइज में जलन होता है हमको डिसकंफर्टेबल हमारा आइज में महसूस होता है नेक्स्ट रेडनेस मोर इन दी इवनिंग ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आइज रेडिस तो दिखाई देता है लेकिन इवनिंग शाम के टाइम को हमारा जो आइज़ है वो ज़्यादा रेडिस दिखाई देता है नेक्स्ट डिफिकल्टी इन कीपिंग द आईज ओपन जब हम आंख को ओपन रखते हैं खुले रखते हैं तभी हमारा आंख में प्रॉब्लम्स होता है हमें अच्छा महसूस नहीं होता है डिफिकल्ट लगता है ओके okay? अब नेक्स्ट स्लाइट फ्रूती डिस्चार्ज यहाँ पर हमारा आंख से थोड़ा सा फ्रूती डिस्चार्ज भी होता है नेक्स्ट लीड्स मे और मे नॉट बी स्टॉक टूगेदर यहाँ पर जो हमारे आईलिट्स होते हैं वो अपने आप से चिपके हुए रह सकते हैं मे बी ओके सो so फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं साइंस ऑफ दिस कॉन्जेक्टिविटीज के बारे में फर्स्ट अपरली आईज मे लुक नॉर्मल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंख जो है नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है नॉर्मल बहुत कुछ होता है पेन वगैरह डिस्चार्ज वगैरह बहुत कुछ होता है ओके okay? तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट लोअर फॉर्निक्स इज कॉन्जेस्टेड ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कॉन्जेक्टिव हम लोअर फॉर्निक्स होता है वो कॉन्जेस्टेड होकर रहता है जो ब्लॉड वेजल्स होते हैं वो अपने आप से बुरा ऐसे कॉन्जेस्टेड होकर रहते हैं नेक्स्ट अपर एंड लोअर पालपेब्राल कॉन्जेक्टिव

तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ इरिटेशन ओके तो फ्रेंड्स जिस भी वजह से ये इरिटेशन हमारा आयस में हो रहा है उसको हमको निकालना है देन नेक्स्ट कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्सेक्टेबल स्वाप एंड अकॉर्डिंगली लोकल एंटीबायोटिक ड्रॉप एंड आइंटमेंट आर गिवेन ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आइज में कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा ये जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसको जांच किया जाता है देन उसके अकॉर्डिंगली जो लोकल एंटीबायोटिक आईड्रॉप होते हैं या फिर ऑइंटमेंट होते हैं वो यूज़ करने के लिए दिया जाता है ओके अब नेक्स्ट एस्ट्रीजन एंड डिकोन्जेंटेंट आईड्रॉप एग्जाम्पल जिंक सल्फेट वोरिक एसिड नाफाजोलाइन एक्सेट्रा फोर

सो फ्रेंड्स बस इतना ही था हमारा सिंपल क्रोनिक कंजेक्टिविटीज के बारे में जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा एंड आप ये सेशन को एंजॉय किए होंगे अगर हाँ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए कुछ डाउट है तो कॉमेंट्स कीजिए एंड हाँ अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रख देना ताकि आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके एंड आप हमारे साथ हमेशा सा जुड़े रहते चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय टेक बेटे द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच स्टे सेफ